गैर शरई निकाह केस की तहकीकात, चेयरमैन पीटीआई को सिविल कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस हुकाम अटक जेल में मौजूद, पेशी के लिए हतमी मुशावरत जारी। पीटीआई चेयरमैन के बगैर भी इलेक्शन शफाफ होंगे, किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आज़म का अमरीकी खबर एजेंसी को इंटरव्यू, अनवारुल हक काकड़ बोले इंतखाबात के निकाद फौज का नहीं इलेक्शन कमीशन का काम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकरर सरबरा तहरीक इंसाफ ने खुद किया था, वो उनके खिलाफ क्यों होंगे। पंजाब में इंजेक्शन से बीनाई से महरूम अफराद की तादाद 60 हो गई, सबसे ज्यादा केसेस मुल्तान में रिपोर्ट। निगरान वजीर आला ने वाकई की तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी कायम कर दी, पूरे सूबे से एवेस्टिन का स्टॉक उठा लिया गया, जिम्मेदार ड्रग इंस्पेक्टर से खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। डकैती मुजाहमत या कुछ और, कराची में मुसल अफराद ने कमसिन बेटी और बाप की जान ले ली, कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब अफसोसनाक वाकया, जामबहक सरकारी मुलाजिम ताहिर और मासूम अनम के कत्ल की तहकीकात जारी। आजाद कश्मीर के वादी नीलम में दूसरे रोज भी बर्फबारी, रत्ती झील का बेस कैंप बर्फ से ढक गया, इस गर्दू में वक्फे वक्फे से बारिश। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के आगाज में चंद ही रोज बाकी, पाकिस्तानी टीम को भारतीय वीजे जारी न हो सके, आज इजरा मुतवक्के है।